राजस्थान में अचानक गैंग रेप की बाढ़ आ गई। भीलवाड़ा का भट्टी कांड अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि डूंगरपुर से एक स्कूली बच्ची से गैंग रेप का मामला सामने आया है। इस पर भाजपा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजस्थान की दिग्गज भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने सीएम अशोक गहलोत को आईना दिखाते हुए सवाल दागे। वसुंधरा राजे ने अपनी ट्वीट पर लिखा कि भीलवाड़ा की भट्टी की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि डूंगरपुर में एक और दुखद घटना सामने आ चुकी है। यह स्कूली बच्ची को अगवा कर गैंग रेप की घटना सामने आई, जो कि बेहद ही विभत्स है। हम कब तक ऐसी घटनाओं पर शोक मनाते रहेंगे? कब कांग्रेस सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागेगी? बहन बेटियों के साथ ही अत्याचार कब तक रहेगा? शायद कांग्रेस के सत्ता में रहने तक तो बिल्कुल नहीं। डूंगरपुर के दोवड़ा क्षेत्र में एक नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दी कि जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी हेमंत चौहान ने बताया है कि रिपोर्ट के अनुसार छात्रा स्कूल में अध्ययनरत है। स्कूल में उसकी दोस्त एक छात्रा से हुई, दोनों फोन पर बातें करने लगे और उनमें गहरी दोस्ती हो गई। बुधवार सुबह युवक कार से स्कूल में छात्रा को लेने आया। यहां से छात्रा कार में बैठकर युवक के साथ चली गई। आरोप है कि कार में युवक सहित 5 लोग सवार थे। कार को बीचीवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव में ले गए। यहां एक कमरे में छात्रा के साथ 3 जनों ने गैंग रेप किया। इसके बाद पीड़िता को डूंगरपुर शहर में छोड़कर आरोपी भाग गए। पीड़िता जैसे तैसे दोवड़ा थाना पहुंची और रिपोर्ट दी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान शुरू कर दिया है।